15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सैनिकों को याद करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रक्षाबंधन में भी याद करें। और हमने भी सोचा कि सही बात है, देश के असली रक्षक तो वही है। तो भारत भ्रमण करके दिल्ली उधमपुर जाएंगे, उधमपुर में वहाँ सैनिकों का जो थल सेना है वहां पे ये राखियां रखी जाएंगी, वहां से फिर नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, यहाँ सब सर्कुलेट होगी ये राखियां। मिट्टी भी एक लिफाफे में रख कर आप देश के सैनिकों को ये जताएंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम अपने परिवार के साथ आपकी भी रक्षा की हम प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे, जिससे आप स्वस्थ रहे। राजरंग संस्कार धानी, तो आप भी यहाँ पे इस संस्कार धानी भूमि में कदम रखें। और यहाँ पे मेरा राजनांदगांव से टारगेट था 11,111 राखियों का, तो उसके लिए और मुस्लिम समाज से भी राखियां आ रही है हमारे पास, तो ये जो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा राजनांदगांव की तरफ से। रूप में उन्होंने मुझे ये पोस्ट दिया है, पद दिया है। एकता ग्रहणी समाज सेवी है, किस पार्टी से किसने, सिर्फ समाज सेवी, यहाँ जितने बैठे सब समाज से। भेंट क्यों चली गई, देखे क्या होता है। मैं अभी आप कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, प्रथम नागरिक करके आप हर प्रोग्राम में बुलाते हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। आपने बीजेपी कांग्रेस की बात किया, नहीं मैं ये आपको एग्जांपल दी कि जो बीजेपी कांग्रेस यहाँ मेरे कार्यक्रम में नहीं हो रहा है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, ये मैंने बताया आपको। बताना चाहूंगी ऑपरेशन सिपाही, रक्षा सूत्र, तिरंगा सिपाही और मेरा देश, ये हम आयोजन करने जा रहे भव्य आयोजन है, जो कि राजनांदगांव 17 अगस्त ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होने वाला है। उससे मैं आप सभी से, भारतवासियों से और राजनांदगांव की जनता से, संस्कार धानी की जनता से अपील करना चाहूंगी कि हर वर्ग, हर महिला संगठन, हर समाज और एक एक स्कूल के बच्चे और बच्चियां, इसलिए बोल रही हूँ कि रक्षा करते हैं वो लोग सरहद में, तो वो लोग ये नहीं देखते कि मैं लड़के की रक्षा कर रहा हूँ, एक आदमी की रक्षा करो, एक औरत की रक्षा करो, एक बच्ची की रक्षा करो, उन वो पूरी देश की रक्षा करते हैं। तो ये है कि हम भी चाह रहे हैं कि हर जिनके मन में देशभक्ति के लिए कुछ भावनाएं हैं, तो वो अपनी भावनाएं एक रक्षा सूत्र के माध्यम से, देश की मिट्टी के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। 17 अगस्त को ऑडिटोरियम में आप आए, अपनी एक बॉक्स में एक संस्था का नाम लें और संस्था बॉक्स के ऊपर आप लिख दें उसमें कि देश के रक्षकों के लिए। पूरे भारतवर्ष से तो 11,111 राखियों का लक्ष्य है, लेकिन मैंने मतलब हमारी संस्था ने और हमारे ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र की जो राजनांदगांव के टीम है, हमने आग्रह उनसे किया कि आप इस आयोजन में हमें संस्कार धानी में मौका दें। हम यहाँ से, हमारा मानना है कि हम कम से कम 11,111 राखियां राजनांदगांव से रक्षकों के लिए एक प्रेम की भावना से उनको सप्रेम भेंट कर सके। तिरंगा यात्रा तो पूरे भारत भ्रमण है लोगों का, इस संगठन का पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा करते हुए जहां जहां रुक रहे हैं, रूट बहुत लंबा है, जहां जहां रुक रहे हैं वहां वहां से सभी ने अपने शक्ति अनुसार इनको रक्षा सूत्र प्रदान कर ही रहे हैं। जी, पूर्व सैनिक महासभा है, मतलब पूरे भारत के सैनिक इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे डोंगरगढ़ क्यों ना हो, डोंगरगढ़ के भी सैनिक यहाँ पे से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की रूट मैं आपको बता देती हूँ, बिलासपुर से प्रारंभ होके ये जम्मू कश्मीर उधमपुर सीधा जाएंगी, उधमपुर से ये पूरी राखियां सर्कुलेट होंगी, आर्मी, मिलिट्री, एयर फोर्स है, पैरा मिलिट्री है, नेवी है, क्योंकि ये देश के पूरे ही जगह से रक्षक हैं इन लोग। फॉर एग्जाम्पल, बच्चियों को, महिलाओं का ऐसा लगता है कि सिर्फ आर्मी वाले हैं या नेवी वाले हैं या एयरफोर्स, ये सभी रक्षा करते हैं। हम देखिए, कभी भी युद्ध होता है तो पानी के रास्ते से भी हम युद्ध करते हैं, हवाई रास्ते से भी युद्ध करते हैं, वहां पे भी सोल्जर्स तैनात रहते हैं। तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि जितने भी रक्षक हैं, जितने भी सैनिक हैं पूरे देश में, जितने भी फील्ड के सैनिक हैं, चाहे वो नेवी हो, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, सब सैनिकों को, पूरी माताएं, बहने, बच्चियां, उनको रक्षा सूत्र राखी के माध्यम से दे। इसीलिए ये राखी रक्षा सूत्र कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि राखी में वो तो अपने घर में नहीं होते, वो तो सरहद में होते हैं, और हम अपने घर में राखियां अपने भाइयों को,
बांधते, तो ये भी तो हमारे भाई हैं, ये भी तो हमारे पिता तुल्य है, तो इनको राखी भेजना चाहिए। इसीलिए इस भावना से हमने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र रखा है।